हेलो, मैं शशांक कुमार, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो साइन ऑफ फिंगर्स है। इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इसके पहले चर्चा करने से पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए नए जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके, और लाइक और कमेंट भी अपने सेक्शन में दें। इसमें हम हाथों में आने वाले विभिन्न प्रकार के साइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका पामिस्ट्री के विचार से देखा जाए तो इनका बहुत ही महत्व है इन साइन का। और साइन हमारे जीवन में बहुत प्रभाव इनका पड़ता है। अतः किसी भी पामिस्ट्री के लिए सबसे प्रमुख है अंगुलियों पे आने वाले निशानों का अध्ययन करना, और इसके अध्ययन से व्यक्ति के चरित्र और वह किस प्रकार सोचता है ये आसानी से जाना जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके आने वाली जीवन में कठिनाइयों को और जीवन में आने वाली सुविधाओं को भी आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। पहला चीज़ है, हम जो बताएंगे वो अंगुलियों, जो पहले फलांग पे जो है तीर का निशान को पढ़ना। पहले हम इसके लिए जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी अंगुलियों के पहले फलांग में अगर तीर का निशान है तो उसका क्या प्रभाव होता है। इसे तीर का निशान भी कहते हैं या भाला का भी निशान कहते हैं। जो पॉइंटेड करके फिगर में आपको दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं, भाला का निशान होता है और तीर का निशान होता है। यह निशान अगर किसी व्यक्तियों के पहले फलांग पर होता है तो वह व्यक्ति जो है बहुत ही बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि माना गया है, माना नहीं गया है या प्रमाणित है। ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थिति है, इसका मतलब है कि उसके जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाएं लेकिन उन बाधाओं से लड़के उसमें सफलता प्राप्त करता है। यह व्यक्ति बहुत ही जीवट होते हैं, भीषण से भीषण परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन उनसे भी वो लड़के और सफलता प्राप्त करते हैं। यह वातावरण के अनुसार भी अपने आप को ढाल लेते हैं। जिन व्यक्तियों के अंगुलियों के पहले फलांग पे तीर या भाले का निशान हो, ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी में तो सक्सेस होते हैं, लेकिन मैं यह बताते चलूं कि वह व्यक्ति को मान सकते हैं कि वह अपने एज के तीसरे पड़ाव में बहुत अधिक सक्सेसफुल होते हैं। और एक देखा गया है, ऐसा शत प्रतिशत तो नहीं कहा जा सकता है, वह व्यक्ति जो है दिल के मरीज भी होते हैं, लेकिन उनका भी उपचार जो है पामिस्ट्री में संभव है और तंत्र विज्ञान में भी इनका विशेष रूप से उपचार किया जा सकता है। अतः आपने देखा कि जिन व्यक्तियों के हाथ में तीर या भाले का निशान है वह व्यक्ति कैसे होते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है व्यक्तियों के हाथ में तीर या भाले के निशान में। अब अगर हम आगे की ओर बढ़ें दूसरी ओर, तो आपको एक टेंट का निशान मिलेगा। टेंट का निशान जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्क का निशान जो है, टेंट का निशान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेंट बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट का निशान है। तो इनका कोई विशेष फलांगों में ये टेंट का निशान नहीं पाया जाता। टेंट या एक तरह से एक पर्वत आकार का बोल सकते हैं, जैसे तंबू भी कहते हैं, परंतु यह ऐसा नहीं है कि किसी विशेष फलांग में पाया जाता है, ये किसी भी फलांग में मिल सकता है।
यह जनरली बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और बहुत जल्दी जो है कला के क्षेत्र में वो अपना नाम कमा सकते हैं। यह सही एक ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति का एडवांटेज लेते हैं, और बहुत केसेस में देखा गया है कि मेंटली थोड़ा अस्थिर होते हैं और उनकी पारिवारिक स्थिति थोड़ा डामाडोल, उनकी मेंटल स्टेटस से डामाडोल हो सकती है। इसको 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा देखा गया है बहुत सारे केसों में, मैंने खुद देखा है इसको, जिस व्यक्ति के हाथ में टेंट का निशान होता है। तीसरा निशान होता है सर्किल का निशान, जो आप देख सकते हैं कि वहां पे आपको बताया गया है। इसका भी कोई विशेष स्थान नहीं है, यह किसी भी फलांगों में पाया जा सकता है, पहला दूसरा तीसरा फलांग में पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचार के होते हैं, और स्वतंत्र विचार का मतलब है कि अपने स्वतंत्र विचार होते ही हैं ता और थोड़ा कॉन्वेंशनल होते हैं, पारंपरिक तरीके से सोचते हैं और उसी से वो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, और कभी-कभी जिसके कारण काफी इग्नोरेंस हो जाते हैं और उनके उनके स्वभाव में ये सारी चीजें जो है प्रतिलक्षित होती हैं। अतः आपने देखा कि जिनके हाथ में सर्किल फलांग में सर्किल हाथ के अंगुलियों में सर्किल का निशान है, वो व्यक्ति जो है काफी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और उसे प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन काफी इग्नोरेंस भी होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और आर्क का निशान जो है, आपको दिखाया गया है कि आर्क का निशान कैसा होता है, एक अर्ध वृत्त तो नहीं बोल सकते हैं, एक चाप के अनुसार क्या आर्क का निशान होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आलसी हो नेचर के होते हैं और इसमें आत्मविश्वास की काफी कमी होती है, और ये दूसरों पर विश्वास कभी नहीं करते, ये धूर्त और माया जाल में बूनते हैं। यानी कोई कोई व्यक्ति जो देखते होंगे कि कॉन्स्पिरेसी ये सारे चीजों में लिप्त होते हैं, और ऐसे व्यक्ति लेकिन देखा गया है कि डिटेक्टिव सर्विसेज में काफी सफल होते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति को जो देखा गया है कि जो जासूस होते हैं उसमें आर्क का निशान जो है पाया जाता है। पांचवा निशान जो है ट्रायंगल का है, यह बहुत ही रहस्यमय निशान होता है, और ये ट्रायंगल जो है जिस व्यक्ति के अंगुलियों के फलांग में होता है वह आदमी मुख्यतः योगी हो सकता है, योग के बल पे तपोबल से वो काफी नेम एंड फेम कमा सकता है। अकेले रहने वाले और पुराने विचारों के हो सकते हैं, और इनके जो दिमाग में जो आ जाता है उसको छोड़ते नहीं हैं, तो यह कह सकते हैं कि जिनके हाथ के उंगलियों के फलांग पे ट्रायंगल का निशान होता है वो व्यक्ति बहुत ही हठधर्मी होता है और उससे भी बहुत ही ख्याति प्राप्त करता है। छठा स्टार या क्रॉस का निशान आप कह सकते हैं, स्टार आप समझ सकते हैं, स्टार पहचान सकते हैं, क्रॉस एक क्रॉस का साइन होता है जो आपको फिगर में दर्शाया गया है। यह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, इनका भाग्य भी साथ देता है। यह व्यक्ति धनी धन प्रचुर मात्रा में होते हैं, और ऐसा नहीं एक बार कईयों बार इनकी अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा धन प्राप्त होता है। अगर फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टार का साइन काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा हम बताने जा रहे हैं नेट, एक जाल का निशान जो है हाथों में कभी कभी होता है। यह निशान जो है जीवन में जिसके भी अंगुलियों पर नेट का निशान होता है उसके जीवन में बार बार बाधाएं होती हैं, सिर्फ विल पावर से वो इनको दूर करते हैं। और यह साइन जो है मुख्यतः देखा गया है डकैत चोरों में पाया गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, बहुत लोगों में भी ऐसा बार पाया गया जिनके जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन ये पाया गया है
कि इन व्यक्तियों में काफी जीवन में बाधाएं आती हैं। रेक्टेंगल का निशान के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह भी साइन काफी महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं और अपनी अपार धन शक्ति प्राप्त करते हैं। इनका फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छा होता है। अगर यह फिंगर में एक से अधिक चिन्ह होते हैं फलांगों पर, तो व्यक्ति और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। तो इस प्रकार देखे कि हम लोगों ने काफी चर्चा की साइन के बारे में, और ये साइन जो है हमारे लाइफ को किस तरह प्रभावित करते हैं उसके बारे में भी चर्चा किए। अब थोड़ा चर्चा हम अंगूठों के बारे में करेंगे कि किन्हीं का लॉन्ग थम होता है, और जिनका लॉन्ग थम होता है ऐसे व्यक्ति का विल पावर काफी स्ट्रांग होता है और काफी आत्मनिर्भर होता है, और स्ट्रांग विल पावर के कारण ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। और इंटेलेक्चुअल का हाथ ऐसा ही होता है, मैथमेटिशियन के हाथों में देखा गया है कि उनका थंब लंबा होता है, और इंजीनियरिंग फील्ड में जो ख्याति प्राप्त करते हैं उनका भी लॉन्ग थंब होता है, शॉर्ट थंब। ऐसे व्यक्ति दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति इसका ये मतलब नहीं उनका दिमाग नहीं होता है, बट इन्फ्लुएंस उनका दूसरों का होता है। लेकिन ये भी देखा गया है शॉर्ट थम वाले व्यक्ति पोएट्री, पेंटिंग, म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। हार्ट थम जिन तीसरा होता है हार्ट थम, और जिनका हार्ट थम होता है वो अपने इमोशन पर काफी काबू रखते हैं, और उनका स्ट्रेंथ है इंटेलिजेंस, उनके दिमागी ताकत काफी होती है। और आप जानते हैं दिमाग जिनका काफी मजबूत होता है वो किसी भी क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। और किसी का फ्लेक्सिबल अंगूठा होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे व्यक्ति धन में विशेष रुचि रखते हैं और सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट कर जाते हैं। जिस प्रकार सब्जियों में टमाटर होता है उसी प्रकार फ्लेक्सिबल हाथ थंब वाले लोग भी जो है अपने सिचुएशन के अनुसार वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने चर्चा की अंगूठे की। तो अंगूठे के फलांग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि अंगूठे के फलांग के बारे में हम और विस्तृत चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर अंगूठे का पहला फलांग काफी लंबा होता है और अंगूठा भी लंबा होता है तो उनका विल पावर काफी अच्छा होता है। अगर यह अंगूठा छोटा होता है और फलांग बड़ा होता है तो उनको काम करने की प्रवृत्ति कम होती है। तो आप समझ गए कि अगर पहला फलांग काफी लंबा हो और अंगूठा भी लंबा हो तो उनका विल पावर काफी अच्छा होता है, और विल पावर के कारण काफी कार्य उनका सक्सेसफुल होता है। दूसरा, जो अंगूठे का फलांग लंबा होता है वो व्यक्ति बहुत ही चलाक होता है, सोशल एक्टिविटीज में काफी इंडल्ज होता है, और काम के द्वारा समाज में प्रतिष्ठा, पद और धन प्राप्त करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ हाथों पे साइन को नहीं देखना चाहिए, अंगुलियों पर भी साइन को देखना चाहिए, और ये साइन काफी महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के आयामों को छूते हैं, और इनका आश्चर्यजनक प्रभाव देखा गया है। लेकिन मैं यह भी कहता चलूं कि रेखाएं बदलती हैं, कर्म महत्वपूर्ण होता है, यह एक दिशा इंकित करती है। तो सिर्फ रेखाओं को मानकर बैठ जाना ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं हो सकता है। अतः अपना कर्म करें और यह दिशा को ध्यान रखें, तो दोनों का सामंजस्य अगर स्थापित होगा तो जीवन में अपनी अपार सफलता की ओर बढ़ सके। और हम चाह रहे हैं कि पूरा जनमानस जो है इस चीज को सीखे, क्योंकि हमारे जो गुरु
नंद किशोर सिरमारी जी उनका उनका काफी अनुभव रहा है।